देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान जताया है। ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर है, परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिल चुका है। ये बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए, वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया। कोर्ट ने इन अधिकारों को जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी थी। त्रिपुरा में चुनाव से 8 महीने पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री ही बदल दिया है। पार्टी ने 2016 में कांग्रेस से डॉक्टर माणिक साहा को राज्य का सीएम बनाया है। कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री बनने वाले साहा पहले शख्स नहीं हैं। साहा से पहले ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा, एन बीरेन सिंह, नेफ्यू रियो, एन रंगास्वामी और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल पहुंचे। ऐसा क्या है जो मोदी ने लुम्बिनी को ही चुना? इस जवाब से पहले बता दें कि नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। अब शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री है जो भारत समर्थक माने जाते हैं। देउबा पिछले महीने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। दिल्ली में इन दोनों अवैध निर्माण और बुलडोजर चलाचाने का अभियान जारी है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ सोमवार को बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भाजपा पर कई निशाने साधे। सियासी संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। यह आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक यानी 9 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सब कुछ बंद रहेगा। यह फैसला तब लिया गया है जब श्रीलंका आर्थिक संकट के साथ मौसम की मार भी झेल रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र डीएमसी ने बताया है कि रविवार को देश में भारी बारिश की वजह से 600 से ज्यादा परिवार लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रभावित हुए। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के बढ़ते संकट के बाद किम जोंग उन ने सोमवार को खराब हेल्थ सिस्टम के लिए कैबिनेट और उच्च अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ उन्होंने सेना को राजधानी प्योंगयांग और देश भर में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करने का आदेश दिया है। नेपाल के लुम्बिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने दोनों देशों के संबंधों को हिमालय जैसा अटल और ऊंचा बताया। उन्होंने कहा है कि दोनों देश के नागरिक इसे और मजबूत बनाएंगे, साथ ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 हफ्ते के भीतर ही 39 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातरों की मौत हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और माउंटेन सिकनेस के कारण हुई है। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो पहले कोरोना के संक्रमण से गुजर चुके हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर यात्रियों की मौत को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को दबाने कुचलने का काम करती है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बांटने का काम करती है, दबाने कुचलने का काम करती है।